जी प्रोडक्शन हाउस एसआरजी फिल्म्स इंटरनेशनल से सुधागर जीरो सेवन यस फिल्म का आज हम लॉन्च कर रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और हम पीछे देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टर भी आज उसका मुहूर्त है लॉन्च हो रही है फिल्म थोड़ा हमें बताइए प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली ये प्रोजेक्ट अपना यहाँ बॉम्बे से 2 घंटे की ड्राइव पर है पाली सुधाकर एक तहसील है इसका मतलब श्री गणेश कैसे हो रहा है हमारे एक मित्र हैं उधर वो अभी इधर ही हैं अभी आपके सामने आएंगे दिलीप साहब वो वहाँ तहसीलदार हैं और रहे अभी यहाँ ट्रांसफर होकर बॉम्बे आए तो हमारे खूबसूरत पड़ोसन का एक शूटिंग चल रहा था वो शूटिंग में आए एक दिन तो डिस्कस हुआ बोला वो मतलब बहुत क्रेजी आदमी है फिल्म से रिलेटेड होता है ना उससे आर्टिस्ट होता है मैंने अंदर उनके आर्टिस्ट बसा हुआ है जो मैंने देखा बोले यार बंसल भाई एक मेरा फिल्म है अपन को बनाना है स्टोरी राइटर भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे बहुत बुद्धिजीवी हैं वो भी आपके साथ आएंगे तो उन्होंने बोले एक ऐसा ऐसा यहाँ पर 2 घंटे की ड्राइव पर बॉम्बे से लोगों का बहुत शोषण होता है तो उन्होंने मैंने पूछा कैसे क्या क्या होते हैं वहाँ 50,000 रुपये के लिए बॉम्बे से कर्नाटक बॉर्डर पे लोग नौकरी करने जाते हैं और जो नौकरी करते हैं बहुत गरीब होते हैं टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ होता है न्यू जनरेशन में यंग बीच में तो पर वो क्या है गरीब पैसे का उनको पता नहीं कैसे क्या अर्न करना है तो लोग उनका शोषण करते हैं वो जो बाहुबली टाइप के होते हैं उनको एक 50,000 का एडवांस दे के लेके जाते हैं पर 1 साल काम कराते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ में अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो उन्हें वापस नहीं आने देते हैं वहाँ उनके बच्चों को गिरवी रख लेते हैं तो इससे रिलेटेड मेरे को बहुत एक दया टाइप का भावना आया मैंने यार ऐसा कैसे होता है तो इस चक्कर में फिल्म का श्री गणेश हो रहा है ये इसका नियम है तो जो टैलेंट की बात करें जो लोकल टैलेंट आपने देखा किस तरीके का टैलेंट है पूरा सुधागढ़ 07 कबड्डी पूरे हिंदुस्तान के वहाँ प्लेयर फेमस है मतलब लोगों में आदिवासी कम्युनिटी जो एक विशेष कम्युनिटी आदिवासी से भी थोड़ा और गरीब लोग रहते हैं एकदम पर बहुत कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ कबड्डी से रिलेटेड पर वो खेल नहीं पाते उनको एक मार्गदर्शन नहीं है प्रॉपर तो अभी वो मार्गदर्शन देने के लिए हम जैसे बहुत सारे लोग पर मेरे को ये स्टोरी सुनने में आए तो मैं दिलीप भाई को बोला मैंने अपन इसको करते हैं तो हिंदुस्तान में कहीं भी है जैसे हम लोग ये कर रहे हैं तो हम लोग से भी लोग इंस्पायर्ड होंगे कि अपन एसआरजी फिल्म कर रहा है तो वर्ल्ड में हिंदुस्तान में कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में यूथ की कमी नहीं है पर कोई उसको एक मार्गदर्शन चाहिए तो इसीलिए हम लोग भी हैं और हम जहाँ ज़रूरत कोई बोले वहाँ भी हम लोग जाएंगे हम लोगों का म्यूजिक घराना है दादा के बहुत म्यूजिक से रिलेटेड बहुत बैंक पड़ा हुआ है तो इस चक्कर में हम लोगों ने इसलिए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं आपकी जनरोसिटी तो हमने देखी है जो आपने बबीना की जो फिल्म इतने सालों पहले बनी थी आपने अभी वो कंप्लीट किया है दादा का एक बहुत पुराना फिल्म था कंप्लीट किया था पर किसी कारण से वो रिलीज़ नहीं हो पा रही दादा की इच्छा थी पर कभी कोई मुहूर्त नहीं बन पाता है कोई रीजन होता है तो दादा की वो फिल्म भी अभी हम रेडी हो गई है उसको भी June 1st में रिलीज़ करने का प्लान है आपकी दूसरी फिल्म खूबसूरत पड़ोसन वो भी दादा का म्यूजिक था और दादा का इच्छा थी उसको तो वो भी हमारी कंप्लीट हो गई अभी डबिंग चालू है फाइनल स्टेज पर है उसको भी जुलाई में अपन अगस्त करने का प्लान है उसको भी कबड्डी की अगर बात की जाए फिल्म को आप किस लेवल पे देखते हैं जब आप बनाएंगे मैं इस फिल्म को एक इंटरनेशनल लेवल पे देखता हूँ और मुझे लगता है कि फिल्म के जो भी अवार्ड हैं सारे अवार्ड विनिंग मूवी रहेगी क्योंकि ट्रू स्टोरी है ये और मैं अपने जो डायरेक्टर हैं फिल्म के उनको ही बुलाना चाहूँगा वो और आपको प्रॉपर तरीके से अवगत कराएंगे उससे रिलेटेड मतलब ऐसा स्टोरी कोई भी आदमी होगा सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस टाइप की स्टोरी है तो दिलीप साहब आप भाई प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ दें डायरेक्टर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है ऐसे फिल्म का बनना जहाँ पे आप देखते हैं सिचुएशन क्या है और फिर आप सोचते हैं कि उस पर एक फिल्म बननी चाहिए तो बताइए कैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ सामने सबको नमस्कार मैं मराठी में बोलूँगा मराठी में ज़्यादा मैं अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ ठीक है हिंदी बात तो ये सुधागढ़ नाम का तालुका है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं इमेजी का तो जानते होंगे इमेजी के बाद 10 मिनट पर ये तालुका शुरू हो जाता है और वहाँ में मैं 3.5 साल तहसीलदार रह चुका हूँ और उसी दरमियान में वहाँ पे कातकरी नाम का एक समाज है कातकरी आदिवासी समाज है महाराष्ट्र में जो 3 सबसे निचले समाज आदिवासी बांधव हैं उसमें कातकरी एक आते हैं तो कातकरी के उनके लाइफ के बारे में ये सब स्टोरी आती है उनका जो शोषण होता है तो शोषण के बारे में स्टोरी है सर ने बताया कि उनको लिया जा लेके जिया ले जाते हैं कर्नाटका में
जनरली हर साल उनको दो जोड़ियों दो लोगों को 70,000 रुपये देते हैं और साल भर काम करवा के लेते हैं। कभी कभी दो साल, कभी तीन साल, कभी कभी चार साल, कभी कभी छूटते नहीं। ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ मेरे सामने आई कि बहुत बहुत ही मतलब उन पर काम करना ज़रूरी था। हमने एज अ गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम किया है, फिर भी ये फिल्म के माध्यम से कुछ प्रबोधन करना चाहते हैं हम, यानी कि वो लोगों में प्रबोधन हो जाए और लोगों को भी पता चले कि किस तरह का अभी भी वहाँ पे गुलामगिरी होता है। फिल्म की कास्टिंग की बात की जाए तो हमने रवि गोविंद जी ने बताया कि एक्चुअल जो ट्राइबल कम्युनिटी से जो हैं वही फिल्म में फीचर करेंगे जी। सुधागढ़ के ही दो बच्चे हैं और सुधागढ़ के ही वो कातकरी नहीं है पर सुधागढ़ की दो बच्चे लिए हैं जो उसमें कास्ट उनको कास्ट किया गया है। एक्चुअल आर्टिस्ट है, एक्चुअल आर्टिस्ट है उधर सुधागढ़ के। तो एक ट्रेनिंग, क्योंकि जब आप फिल्म पर्दे पे बनाते हैं तो एक ड्रामा होता है, एक फिक्शन होती है, तो उसमें आप कैसे उनको ट्रेन करेंगे, कैसे उन्हें प्रिपेयर करेंगे कि वो कैमरा फेस कर सके और एक्टिंग कर सके? उनका वर्कशॉप शुरू है, एक महीना हो गया उनका वर्कशॉप शुरू है और वो थिएटर आर्टिस्ट है और उधर के थिएटर आर्टिस्ट है तो वो एक्टिंग अच्छी तरीके से एक्टिंग करते हैं। क्लासेस भी चालू होंगे एक महीने से शुरू होंगे। वो जिसमें म्यूजिक दादा का रहेगा, म्यूजिक भी दादा का है रहेगी और आर्टिस्ट रहेंगे फिल्म में, और भी आर्टिस्ट हैं इसमें, बॉलीवुड मराठी फिल्म से रिलेटेड जो ब्रांडेड आर्टिस्ट वो भी तीन चार लोग हैं। और बेसिकली इसमें जो इस फिल्म में जो भी रखा गया है एक्चुअल रखा गया है, मतलब कोई आर्टिफिशियल कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, स्टोरी भी एक्चुअल है, आर्टिस्ट भी वहीं उसी गांव से लिए गए हैं। मतलब आप देखेंगे तो लगेगा कि ऐसा भी आज की डेट में है और बच्चे जो आर्टिस्ट हैं नए नए बच्चे वो भी बहुत अच्छा टैलेंट है उनमें। तो मेरी तो इसी SRG फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से है कि जो एक्चुअल टैलेंट है वो सामने आए, बड़े बड़े तो बन गए वो बन गए पर उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, तो ये मेरी इच्छा है, इसी को लेके मैं आगे इस फिल्म को लेके प्लान कर रहा हूँ। उसमें उपेंद्र लिमे जी हैं, कमलेश सावंत जी है और मिलिंद शिंदे और शशांक शिंदे, चार आर्टिस्ट, कैलाश वाघमारे जी, पांच आर्टिस्ट है जो नॉन आर्टिस्ट है मराठी में, बाकी तो वो सब उधर नॉन एक्टर्स हैं वहाँ के सुधागढ़ के, जिनका वर्कशॉप शुरू है, जिनको इस फिल्म के माध्यम से दुनिया में जाना जाएगा, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। भी साहब भी है, वो भी है, DOP साहब बहुत इसमें नुमेंसेस रहेंगे। जब एक्सपोर्ट की बात की जाए, कबड्डी पे फिल्म बन रही है, रियल आर्टिस्ट है, आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं इस प्रोजेक्ट में, यू नो उसको कैमरा में एक्चुअली कैप्चर करना? चैलेंजिंग तो एक तरीके से है, अगर क्योंकि ये फिल्म आती है रियलिस्टिक जॉनर में, तो ये रियलिस्टिक फिल्म है, सब इवेंट्स और जो भी सीन, जो भी स्टोरी है, जो भी घटनाएं हुई है इस फिल्म में, जो भी वो सब रियल है और वो हम रिलेट कर सकते हैं उनके एक्चुअल ज़िंदगी से, तो वो रियलिज्म अगर स्क्रीन पे लाना है तो वो चैलेंजिंग है, क्योंकि वो लोग जो माइग्रेट होके जाते हैं वो एक अलग ही टेरेन है, अलग ही टेरिटरी है, तो वहाँ जाके उनके स्पेस में जाके वो शूट करना, हाँ उनकी स्पेस में जाके शूट करना और वो रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करना, वो चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि ये एक हम डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं कर रहे, ये हम फिक्शन में कर रहे हैं, इसमें हमारे आर्टिस्ट जाएंगे पर काम वही करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो चैलेंजिंग है पर इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र के और जैसे स्टेट के अलग अलग बॉल लोकेशन पे जाके शूट करने का मौका है, कुछ ऐसे लोकेशन है जो यूजुअली हम लोगों ने देखे नहीं रहते, जैसे अभी जैसे पाली तो ठीक है लोगों ने देखा है, कोंकण का रीजन है तो देखने में आता है, पर जो कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर उस रीजन में जाएंगे ना वो काफ़ी आइसोलेशन में है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन है और ये लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ तो हम लोग जैसे कॉमन मैन तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन है और वो जो लाइफ है बहुत टफ है, बहुत हार्डशिप है उस लाइफ में, और वो जब स्क्रीन पे आएगा तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी दिलगा मचाएगा, वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। ट्रेनिंग की बात की जाए, कोचिंग की बात की जाए, तो हमारे प्रोफेशनल कोचेस हम लेंगे तो नहीं? यस यस 100% प्रोफेशनल कोचर ऑलरेडी हैं उधर, उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं और जो प्लेयर्स हैं वो भी एक्सपर्ट और ट्रेंड प्लेयर हैं उधर। सो आगे स्पोर्ट्स का भी जो एक जरिया होता है स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने, हमारे हिंदुस्तान में कितना टैलेंट है, तो
बाकी स्टेट्स में आपने बीच में जब SRG अनाउंस किया था तो आपने कहा था कि आप नया टैलेंट प्रमोट करना चाहते हैं, आपने प्रूव किया और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमारी आवश्यकता हम हमेशा रेडी है उस टैलेंट को ऊपर लाने के लिए। जो भी कब रिलीज होगी, कब तैयार होगी ये फिल्म? अभी मेरे हिसाब से जून फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, महीने भर में रेडी होगा, विद इन 3-4 मंथ रिलीज होने का इसका। थैंक यू सुधाकर 07 ये जो बच्चा है काकरी बच्चा, उसके टी शर्ट का नंबर है, कबड्डी खेलता है बच्चा, टी शर्ट का नंबर पर। ये फिल्म स्पोर्ट्स की फिल्म नहीं है, उसका जो एट्रोसिटी उधर उसकी फिल्म। थैंक यू नमस्कार।